हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो इस वाले वीडियो में आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे Redmi Note 10s में MIUI 14 स्टेबल अपडेट रिलीज़ हो चुका है। तो मैं यहाँ पे MIUI 14 Android 13 का फुल रिव्यू करने वाला हूँ कि हमें उसमें कैमरा वाइज, हमें उसमें परफॉर्मेंस वाइज, हमें उसमें एनिमेशन वाइज क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको इस वाले वीडियो में MIUI 14 Android 13 का फुल रिव्यू देखने के लिए मिलने वाला है फट Redmi Note 10s डिवाइस से। तो यहाँ पे 14.0.2.0 ग्लोबल स्टेबल अपडेट Android 13 पर बेस्ड बेटा टेस्टर्स के लिए ये अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस अपडेट को मैंने अपने Redmi Note 10s में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और ये अपडेट यहाँ पे Android 13 पर भी बेस्ड हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको एक बार इस अपडेट का फुल रिव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ, कैमरा वाइज, सेटिंग्स वाइज और क्या क्या इसमें और भी चेंजेस किए गए हैं। तो MIUI 14 रियल वाइज की बात करें तो MIUI 14 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुका है एज़ कंपेरिजन टू MIUI 13। तो इसलिए यहाँ पे यूज़र्स की डिमांड थी कि मैं यहाँ पे MIUI 14 का फुल रिव्यू एक बार क्रिएट कर दूँ। तो ये फुल रिव्यू आपको सभी डिवाइसेस पे अप्लाई होगा। तो अगर आप सभी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि Xiaomi 11T Pro जैसे डिवाइसेस को भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये सभी चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहला चेंज आपको सेटिंग्स एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलेगा। सेटिंग्स में आपको सभी आइकन्स यहाँ पे चेंज आपके कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर सब कुछ आपका यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पूरी सेटिंग्स का लेआउट चेंज इन्होंने कर दिया है, सेटिंग्स के आपके आइकन्स इन्होंने टोटली चेंज कर दिए हैं। और मान लीजिए कि आप जब सेटिंग्स में किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, आपको कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आपकी यहाँ पे सर्च इन सेटिंग्स को भी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है एज़ कंपेरिजन टू MIUI 14 में सर्चिंग को भी इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे MIUI 14 के सेटिंग्स एप्लीकेशन को इन्होंने टोटली चेंज कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है MIAI का, तो इसको मैंने मैनुअली इंस्टॉल किया है। आप भी इसको मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर MIUI 14 सेटिंग्स का फुल रिव्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे स्पेशल फीचर्स के ऑप्शन को रिमूव करके एडिशनल सेटिंग्स में ही डाल दिया गया है। तो फ्लोटिंग विंडोज़ में जाएंगे तो फ्लोटिंग विंडोज़ में आपको साइड बार भी देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ अगला ऑप्शन है मेमोरी एक्सटेंशन का। तो आपको MIUI 14 Android 13 में मेमोरी एक्सटेंशन को भी इन लोगों ने अपडेट कर दिया है। पहले आप केवल एक ही मेमोरी एक्सटेंशन के ऑप्शन को यूज़ कर सकते थे। अगर आपका 6GB का है तो आप केवल 2GB तक को यूज़ कर सकते थे। अब लेकिन अगर आपका 6GB का वेरिएंट है तो आप 2, 3, 5GB तक का मेमोरी एक्सटेंशन यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद सेकंड स्पेस, इसमें भी कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और इसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शंस में भी आपको वही सब देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ आपका इसका MI अकाउंट का नेम Xiaomi अकाउंट में चेंज हो चुका है, वो भी ऑफिशियली। इसमें हमने कोई भी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है, यानी कि MI अकाउंट की एप्लीकेशन को मैन्युअली भी अपडेट नहीं किया है। तो सब कुछ यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ होम स्क्रीन में भी आपको कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। उन चेंजेस की वीडियो में आगे बात करेंगे क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं MIUI 14 की कुछ एनिमेशंस की, कि हमें यहाँ पे एनिमेशंस क्या क्या देखने के लिए मिलती हैं। तो आपको होम स्क्रीन में एनिमेशन स्पीड का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनिमेशंस के हिसाब से कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं MIUI 14 के एनिमेशंस की, कि यहाँ पे एनिमेशन वाइज हमें क्या क्या इम्प्रूव देखने के लिए मिलता है। तो MIUI 13 में भी आपको एनिमेशंस देखने के लिए मिलती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ यूजर्स के अकॉर्डिंग एनिमेशंस यहाँ पे टोटली यहाँ पे बिल्कुल बेकार देखने के लिए मिलती थी।
अब MIUI 14 में एनिमेशंस को भी इन लोगों ने इम्प्रूव यहाँ पे कर दिया है। आप यहाँ पे सेटिंग्स में होम स्क्रीन में जाएंगे तो आपको एनिमेशन स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा। तो एनिमेशन स्पीड में आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, बैलेंस, रिलैक्स्ड और फास्ट। तो आप अपने हिसाब से एनिमेशंस को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि MIUI 14 में किस तरीके से आपको एनिमेशन चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बैलेंस और रिलैक्स में से ही आप चूज़ करना, क्योंकि आप जब फास्ट को चूज़ करते हैं तो आपको एनिमेशन टोटली फास्ट देखने के लिए मिलती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पे बैलेंस और रिलैक्स में एनिमेशंस हमारी बहुत ही ओपी वर्क करती है। तो आप अपने हिसाब से MIUI 14 में एनिमेशंस को भी चेंज कर सकते हैं कि MIUI 14 में एनिमेशंस आपको कितनी ज़्यादा ऑसम देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे MIUI 14 टोटली इम्प्रूव्ड हो चुका है एज़ कंपेरिजन टू एनिमेशंस भी। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं MIUI 14 के कैमरा रिव्यू की। तो फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे MIUI 14 कैमरा की बात कर लेते हैं कि इसमें हमें कैमरा वर्जन कौन सा देखने के लिए मिलता है और क्या कैमरा इम्प्रूव यहाँ पे हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि MIUI 13 में कैमरा बहुत ही ज़्यादा लैग हैंग होता था और यहाँ पे कुछ हीटिंग के इश्यूज भी इसकी वजह से यूज़र्स को देखने के लिए मिलते थे। तो यहाँ पे MIUI 14 कैमरा भी इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है। MIUI 14 में हमें कैमरे का न्यू वर्ज़न 4.5.002.460.1 एज ए डिफ़ॉल्ट वर्ज़न देखने के लिए मिल जाता है। हमने इसमें कोई भी कस्टम एपी को भी यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे MIUI 14 कैमरा वाइज भी टोटली इम्प्रूव हो चुका है। तो आप यहाँ पे कैमरे को भी ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं MIUI 14 के कुछ और एक्स्ट्रा चेंजेस की, कि हमें और क्या क्या ऑफिशियली चेंज MIUI 14 के अपडेट्स के थ्रू यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि कैमरा वाइज भी यहाँ पे टोटली इम्प्रूव हो चुका है। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं MIUI 14 मोनेट वाइज यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि MIUI 14 में हमें मोनेट का एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। वो कहाँ पे ऐड किया गया है, कैसे अनेबल करें, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आपको MIUI 13 में कोई भी मोनेट देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन MIUI 14 में आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन में जाना है, फिर आपको आइकन साइज में जाना है, फिर आपको वहाँ पे बैकग्राउंड कलर का एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और बैकग्राउंड कलर में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ब्राउन। तो आप जब यहाँ पे कोई सा भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ से जो भी आपने गूगल की एप्लीकेशन है और कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस के भी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाते हैं, जो कि हमें एंड्रॉयड 12 का मोनेट फीचर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे फाइनली MIUI 14 में इन्होंने एंड्रॉयड 13 का मोनेट फीचर ऐड कर दिया है एंड्रॉयड 13 के अपग्रेड के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हम सभी को देखने के लिए मिल जाती है। तो असल में ये वाला फीचर एंड्रॉयड 13 का है, MIUI 14 का नहीं है। बस इन्होंने MIUI 14 के अपग्रेड में हमें बैकग्राउंड कलर का एक नया ऑप्शन दे दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स की डिमांड थी कि यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का मोनेट फीचर हमें MIUI में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। तो इस वाले फीचर को जल्द से जल्द MIUI में ऐड कीजिए। तो यहाँ पे MIUI 14 का मोनेट फीचर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं MIUI 14 के ऐप वॉल्ट की। तो यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स को डाउट है, क्या ग्लोबल रोम में ऐप वॉल्ट हमें एज अ सिस्टम एप्लीकेशन अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यस, यहाँ पे ऐप वॉल्ट MIUI 14 ग्लोबल रोम, यूरोप रोम सभी में एज अ सिस्टम एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे MIUI 14 को ऐप वॉल्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू विजिट्स का भी सपोर्ट फाइनली देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको ऐप ड्रॉन में ऐप वॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके ऐप वॉल्ट का वर्जन 13.5.0 है तो आप इसको प्ले स्टोर के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। 13.0.5.0 अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे ऐप ड्रॉन से ऐप वॉल्ट को ओपन करके न्यू विजिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली प्लस पे क्लिक करना है। तो प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी न्यू विजिट्स ऑफिशियली
देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ऐप वॉल्ट, वेदर, क्लॉक, सिक्योरिटी कैमरा, आपके पास जो भी विजिट्स अवेलेबल होंगी वो सभी विजिट्स आप यहाँ पे ऐप वॉल्ट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। और ये वाला भी फीचर मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिला, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे विजिट्स को यहाँ पे होम स्क्रीन में ऐड नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जा कर के चेकआउट कर ले ना। तो अब बात करते हैं MIUI 14 के कुछ और एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बचता है MIUI 14 का एक लास्ट फीचर, जो कि है लार्ज फोल्डर। तो यहाँ पे MIUI 14 लार्ज फोल्डर्स को भी इक्विप करता है, आपको उसको कैसे अनेबल करना है इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको MIUI 14 में टेबुलर आइकन्स का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पे अभी के लिए केवल कुछ ही सिस्टम एप्लीकेशंस में देखने के लिए मिलेगा टेबुलर आइकन्स का सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको टेबुलर आइकन्स के साथ साथ लार्ज फोल्डर्स का भी ऑफिशियली सपोर्ट MIUI 14 में एंड्रॉइड 13 के साथ एडिड कर दिया गया है। आपको कैसे इनेबल करना है, आपको सिंपली एक फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद सिंपली उस पर एक बार होल्ड करना है, आपको एडिड फोल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। एडिड फोल्डर में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, रेगुलर, एनलार्ज और XXL। तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जब यहाँ से एनलार्ज को सिलेक्ट करेंगे तो आपका लार्ज फोल्डर कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और आप किसी भी एप्लीकेशन को लार्ज फोल्डर में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और आप किसी भी एप्लीकेशन को लार्ज फोल्डर के थ्रू डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। तो ये वाला लार्ज फोल्डर का भी सपोर्ट हमें MIUI 14 के अपग्रेड में फाइनली ऐड कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हम सभी को देखने के लिए मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं MIUI 14 के कंक्लूजन की। तो फिर यहाँ पे MIUI 14 स्टेबल अपडेट, टोटली स्मूथ, टोटली बग्स फ्री तो नहीं कह सकते, मगर यहाँ पे टोटली इम्प्रूव्ड हो चुका है, बहुत ही कम बग्स यहाँ पे बचते हैं। अगर आपके डिवाइस में MIUI 14 आ चुका है तो उसको अभी के अभी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि MIUI 14 का स्टेबल अपडेट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा ओपी देखने के लिए मिल जाता है। तो यही था आज का पूरा MIUI 14 का फुल रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, अगर आप इस वाले चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।